हाय हैप्पी दिवाली हम आ जाए ने ठीक है हाँ कैसे हो मैम आप लोग कैसे हैं दिवाली कैसा रहा आप लोगों का एकदम अच्छा एकदम अच्छा बवाल और आप बताइए आपका दिवाली कैसे गया मेरा दिवाली बहुत अच्छा गया इनफैक्ट मैंने फैमिली के साथ मनाया अच्छा अच्छा कुछ यस यस कुछ वेट वेट चलो सोनिया बिग बॉस फॉलो कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इसका गेम सही लग रहा है मुनावर थोड़ा सा बैटल खेल रहा है बट मुझे ऐसा लगता है कि बाहर निकल के आना चाहिए छुप के खेलने की ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट जब आपको पता है कि आप बाहर भी आपके अच्छे फैंस हैं सब कुछ आपको सपोर्ट करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैदान में उतर के आना चाहिए कहीं ना कहीं विक्की भी उभरते हुए सुनिया जी सेंटर लुक दीजिए ना बिल्कुल भी बेकार जो इंसान अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे तो मुझे ऐसा लगता है गेम के लिए बेटर है पहले अपनी चीज़ों का ध्यान रखें अपनी फैमिली का तो ध्यान नहीं है उससे तो बेटर नील ऐश्वर्या है सोनिया मुझे बेटर लगता है कपल बट उन दोनों को भी फटकार मिली थी ये वीकेंड के बाद पे हां वो थोड़ा ओवर हो रहे थे उनको कभी-कभी क्या होता है गेम समझने में थोड़ा टाइम लगता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि अब वो पता चल गया है कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे चलना है तो इनफैक्ट वो अच्छा खेल सकते हैं और मुझे लगता है उनकी जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छा है नील और ऐश्वर्या का इनफैक्ट अच्छा विक्की जो अभी दिमाग के घर में पहुँच गए हैं तो क्या लगता है कितना दिमाग का और उपयोग करेंगे देखो दिमाग का यूज करना पहली बात तो एक और चीज़ बता दें बिग बॉस में दिमाग की ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट जब गेम पलटता है ना तो वो हर चीज़ पलट जाती है क्योंकि बिग बॉस का गेम ही ऐसा है कि आप जैसा दिमाग चलाओगे वैसा ही आपके ऊपर घूम जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जर्नी है ना वो आपको अच्छे से पूरी करनी चाहिए तो जैसे मुनावर का भी कल लाइव आपने देखा हो तो वो अपने आप से बात कर रहा था इनफैक्ट बता रहा था कि मैं बहुत अच्छा है ऐसा है वैसा तो मुझे ऐसा लगता है जब आपको पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो तो आपको मैदान में निकल के आ जाना चाहिए कि हाँ भाई अब क्या है मतलब वो ये बोल रहा है कि मैं अपने जो हथियार है बाद में निकालूंगा कौन से हथियार है पहले ये बताऊँ तो वो ऐसे कुछ भी नहीं है मैं आपको बता रही हूँ कि बिग बॉस में कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है इनफैक्ट जो जर्नी है आप अपने मुद्दों पे बोलो आप मुद्दों से मत हटो मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दे हैं आपके पास तो आप मुद्दे से झगड़ जाओ बट आप मुद्दे से भी पीछे हट रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर स्ट्रांग नहीं हो आप वो गेम खेलने के लिए जो जर्नी है ना वो पूरा करना चाहते हो जिससे आप टॉफी ले सको तो मुझे तो टॉफी की ज़रूरत भी नहीं थी इनफैक्ट मैं तो गेम खेलने की सोचती हूँ मैं टॉफी का ऐसा नहीं सोचती अरे टॉफी मिल जाए मैं गेम को भूल जाऊँ इनफैक्ट अपने मुद्दे को भूल जाऊँ अपनी अपनी चीज़ों को भूल जाऊँ कि मैं मेरी पर्सनैलिटी क्या है कैसे चुप रहने की नहीं है तो वही बात थी तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो उसमें गेम में ही सारे लोग सो रहे होते हैं कुछ कर ही नहीं रहे अच्छा साथ ही साथ UK07 जो अनुराग है उनको भी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो एक जोकर है और उनकी कोई बात इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही घर के अंदर क्योंकि देखो हर इंसान को पहले तो खुद में समझना चाहिए कि वो इंसान क्या है ठीक है वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा सबको ज्ञान देने की कोशिश करता है कि ऐसा है वैसा है तो उसमें खुद ही ज्ञान नहीं है इनफैक्ट वो बहुत सारे जैसे मैं थी तब भी वो मुझे काफ़ी ऐसे बोलने की कोशिश करता तब मैं हमेशा डांटती थी कि तुमको ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से ना हट के अपने मुद्दों पे जाओ तो उसका वैसा ही है मतलब उसको पता है कि मैं जोकर दिख रहा हूँ तो इसलिए इनफैक्ट और ज़्यादा वो ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे और जोकर दिख रहा है अच्छा इस बारे में एल्विश जो बिग बॉस OTT2 के विनर थे एल्विश और अभिषेक वो सपोर्ट करते हुए नजर आए क्योंकि सेम कम्युनिटी के दोनों हो जाते हैं मैं ऐसा बोलने की कोशिश करूंगी कि ऐसा मत सोचो कि यूट्यूबर है तो यूट्यूबर को सपोर्ट करो हर इंसान को सपोर्ट करो इनफैक्ट मैं एक्ट्रेस हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूट्यूबर को ही सपोर्ट होना चाहिए हर इंसान को वो चीज़ें मिलना चाहिए जो उसके कैपेबिलिटी में है तो एल्विस और ये लोग थे उस कैपेबिलिटी में इसलिए वो उस गेम को आगे तक ले जा पाए बट ये इसमें इतनी तंत ही नहीं है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अब बताओ गले पकड़ रहा है ऐसी सब चीज़ें कर रहा है वो गलत है और इनफैक्ट उसी ने स्टार्ट किया था कल का लाइफ तो मैंने पूरा देखा है उसी ने स्टार्ट किया उसकी वाइफ पे जा रहे हो बच्चों पे जा रहे हो तो मतलब फिर भी तुमको इतनी सारी चीज़ें एक बात बोल दी कि तुम रूम से निकल के आया तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमको
कोई स्ट्रेटजी नहीं है तुम्हारे पास, तुम अपने घर वालों को ही मुद्दे बना रहे हो। आखिर और भी लोग हैं ना, या तो उसकी फ्रेंड हैं जो बन जाती हैं वहाँ पे जाके, जो लड़कियाँ हैं जैसे मनारा है, मुझे तो इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे उस गेम से ज़्यादा बेटर तो वो लड़की लगती है। कम से कम वो सबसे बेटर है उस गेम में, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इनफैक्ट ये लोग तो अभी कल के उसमें तो ये भी निकल के आ चुका है कि ये सारे स्ट्रेटजी जमा के गए थे। तहलका ने उसको फ़ोन किया था, फोन करके गए थे पहले घर के अंदर, और ये अरुण ने ये राइडर को फ़ोन किया था। मतलब हम तो बिना, हम तो रात में फ़ोन किया, हम तो तब अच्छा खेल गए, तो मुझे लगता है कि वो तो कहीं डिजर्व भी नहीं करते। जब आप प्लानिंग करके गए भी हो तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है कोई कोई मतलब नहीं है। और मनारा तो बेचारी तब भी अच्छा खेल रही है, मतलब अपने बात तो रख रही है, चाहे वो मसाला लगा के रख दें, होता ना कि जबान स्लिप हो जाती है, जैसे कि कभी कभी गलत बोल जाती है, बट हाँ वो सबसे बेटर तो वो लगती है मुझे, कि कम से कम कोई स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो नहीं है। अच्छा, इतना गेम आप फॉलो कर रहे हो तो क्या लगता है इस विकेट के बार में किसको फटकार मिलेगी? मुझे ऐसा लगता है विक्की को मिलना चाहिए। बताएं क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, एक टेलीविज़न पे अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस इंसान को ज़रूर फटकार मिलनी चाहिए मेरी तरफ से। क्योंकि अंकिता जैसी भी है, जिस तरीके से वो लोगों का गेम प्लानिंग भी हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है गेम प्लानिंग की वजह से आप अपनी रिस्पेक्ट करना मत भूल जाओ। जो आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट तो करो। तो वो लोगों का मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और तो अनुराग को तो मिल ही चुका है सजा, तो वो तो भुगतने वाले ही हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत बहुत मेरी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलो बाय। सुन लिया रे भाई, किसी को राजा बनना है। ओके बाय, बाय बाय, सी यू। क्या है श्याम?